अगर आपको भी अपने टास्क परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई एम ज़रर बाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, हम उसे किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और हमें प्रोक्रेस्टिनेशन होती ही क्यों है। ठीक, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन। बेसिकली हुआ ये था कि जो मैंने इससे पहले वीडियो पोस्ट की थी अबाउट एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड एंगजाइटी, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे एंड दे आस्क्ड मी कि मैम काइंडली मेक अ वीडियो ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन। हम पढ़ाई या डिफरेंट चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो उनकी रिक्वेस्ट पे आई थॉट टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है। सो पहले तो आपने ये समझ लेना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि आप लेज़ी हैं। अगर इस तरह के लेबल्स आप खुद को दे रहे हैं तो काइंडली मत दीजिए, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन हम तब करते हैं जब कोई टास्क हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होता है या जो हमारी एंगजाइटी की रीज़न बन रहा होता है। यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स उस फीलिंग ऑफ एंगजाइटी को डिले करने के लिए अपने काम को डिले करना शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज कि आपने पढ़ना है और आपकी डेडलाइन है और आपको पता है कि एक टॉपिक आपने इस स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करना है, राइट? जब भी आप उस बुक को उठाते हैं, जब भी आप देखते हैं, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है या आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं या आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा होता है। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आप फ़ौरन से बुक बंद करते हैं और कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि आप लेज़ी हैं या आप फोकस नहीं कर पा रहे या आपकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है। तो लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विद योर कंसंट्रेशन। बेसिकली आप क्या फील कर रहे हैं कि आपके लिए वो जो ऑब्जेक्ट है दैट स्टडिंग, ठीक है, या वो जो एपिसोड है पढ़ने वाली, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल है और वो आपके लिए एंगजाइटी प्रोवोकिंग है, जिसकी वजह से आप ऑल टुगेदर पढ़ाई ही अवॉइड कर देते हैं या अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं टू अवॉइड दैट डिस्कम्फर्ट। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से ये क्लियर हो गया कि आप लेज़ी नहीं हैं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं सो बेसिकली कोई बैकग्राउंड में आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। सो रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि जो इंसानी दिमाग है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, ठीक है, उसे फ़ौरन से रिवॉर्ड चाहिए। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि अभी डेडलाइन को बहुत टाइम है, अभी एग्ज़ाम को बहुत टाइम है, लेट्स सपोज अभी 1 ईयर रहता है या 6 मंथ्स रहते हैं, तो आपका माइंड आपको फ़ौरन से एक सिग्नल दे रहा होता है कि अभी आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है, मैं इतना पहले पढ़ रहा हूँ। तो आपका माइंड आपको एक्सक्यूजेस भी देता है समटाइम्स, ठीक है, आपको आपका माइंड बताएगा कि अभी आपके पास लाइक 6 महीने हैं, 1 साल है, तो आप अभी से क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। सो इस तरह की थॉट्स को हम कहते हैं कि आपका माइंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, कि वो चाहता है कि अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया है तो फ़ौरन से आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाए। तो होता क्या है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो एक तो हमें एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है और कोई इमीडिएट रिवॉर्ड भी हमें नहीं मिल रहा होता, हमें वो अप्रिसिएशन भी खुद से भी नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उस काम को डिले कर देते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट कर। एक और रीज़न जो मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन में देखा है स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये होता है कि वो या तो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते या वो उस पढ़ाई में ऑल टुगेदर इंटरेस्टेड नहीं होते या उनकी डिस्ट्रैक्शंस उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती हैं। सो पहले तो आप ये देखें कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या वो आपको पसंद है। अगर तो आपको पसंद है और आपने वो करना है, ठीक है, टाइम्स ये होता है कि आप उसके रिवॉर्ड पर तो फोकस्ड होते हैं, लाइक आपको जॉब तो चाहिए, लेकिन वो जो डिग्री का प्रोसेस है वो आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है। लेट सपोज़ आपने CSS करना है तो आपको CSP ऑफिसर तो बनना है, लेकिन उसमें जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, वो आपके लिए एंगजाइटी प्रोवोकिंग है, जिसकी वजह से आप उसे ऑल टुगेदर अवॉइड कर रहे हैं या उससे बिल्कुल दूर भाग। सो अब मैं आपको क्विकली बताती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं या अपनी लाइफ से कम्प्लीटली भगा सकते हैं। येस, यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन योर प्रोक्रेस्टिनेशन। सो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने एक टेक्निक याद रखनी है जिसको हम चंकिंग टेक्निक भी कहते हैं। लाइक आप एक बिगर टास्क को छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। लेट सपोज अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको चैप्टर वाइज आप डिवाइड कीजिए, ठीक है, और आपने लाइक सोचना है कि अगर मैं एक चैप्टर कर रहा हूँ तो माई माइंड शुड बी फोकस्ड ऑन वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि अगर मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो आगे अगला सिलेबस भी आप सोचना शुरू करते हैं। इसको हम नेक्स्ट एक्शन हैबिट भी कहते हैं।
लेट्स सपोज कि अगर आपने 3 पैराग्राफ्स करने हैं, ठीक है, एक टॉपिक के, तो आप क्या करेंगे कि पहले आप अपना फोकस फर्स्ट पैराग्राफ पे रखेंगे कि जब मुझे ये आ जाएगा, जब मैं इसको लर्न कर लूँगा या जब मैं इस पर काम कर लूँगा, देन आई विल मूव टू द अदर। तो उस टाइम में जब आप फर्स्ट पैराग्राफ पे फोकस्ड हैं तो आप सेकंड पैराग्राफ पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि आपने एक टास्क एक टाइम में करना है, राइट। इसके बाद आ जाती है एक सेकंड टेक्निक जिसमें आपने टू डू लिस्ट बनानी होती है, जो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जो कि आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। एंड सेकेंडली कि आपके जो टास्क हैं वो क्लियरली रिटन हो, कि आपका जो पूरा डे है वो एक स्ट्रक्चर में चल रहा हो, आपको पता हो कि अगर मैं सुबह इस टाइम उठा हूँ तो उसके बाद मुझे क्या क्या टास्क करने हैं डे के। उससे क्या होगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो बहुत सारे लोगों के लिए वर्क करती है, दैट इज़ कि आपने किसी पॉजिटिव प्लेजेंट चीज़ को एसोसिएट कर देना है उस चीज़ के साथ जो आपके लिए डिस्कम्फर्टिंग हो। लेट्स सपोज कि अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, या आप पढ़ना नहीं चाह रहे, या आपको लगता है कि वो चीज़ आपको एंग्जाइटी देती है या स्ट्रेस देती है जिसकी वजह से आप उसे डिले कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने फ़ौरन से उसको एसोसिएट कर देना है किसी ऐसे टास्क के साथ जो आपके लिए पॉजिटिव हो, ठीक है। लाइक वी कैन एसोसिएट इट विद कि अगर आपने 30 मिनट्स पढ़ लिया है या 40 मिनट्स पढ़ लिया है, तो यू विल गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, और उसमें आप क्या करेंगे, यू विल लिसन टू म्यूज़िक या यू माइट वॉच समथिंग फॉर अ वाइल। लेकिन उसमें ये नहीं करना कि अगर आप एक वीडियो देखने बैठे हैं तो फिर आपने 3 घंटे उस वीडियो को देखने में गुजार दिए और पढ़ाई वहीं की वहीं रह गई है, तो सो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आपने 30 मिनट्स का टाइम रखना है अपने माइंड में कि इतना टाइम स्पेन है मेरा जिसमें मैंने पढ़ना है, और मैंने खुद को अप्रिशिएट करना है, ठीक है, कि मैंने एक टास्क अपना कंप्लीट किया, और 30 मिनट्स के बाद आपने खुद को एक ब्रेक देना है, क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो 30 to 40 मिनट्स का होता है, उसके बाद वी ऑल नीड अ ब्रेक, ठीक है। तो अपने आप को ब्रेक्स ज़रूर दीजिए, और जब भी आप पढ़ने बैठें आपने ये माइंड में रखना है कि आई नीड टू बी रिलैक्स्ड इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि अगर ये चीज़ मेरे लिए एंग्जाइटी प्रोवोकिंग है और मुझे एंग्जाइटी होती है या मैं इस चीज़ पे काम नहीं कर पा रही, तो पहले फिर आपने अपने गोल पे फोकस करना है कि क्या आपको वो गोल अचीव करना है। और जब आपने कोई गोल अचीव करना होता है तो यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, आपको इन एनी केस अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं, तभी आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। सो प्रोक्रेस्टिनेशन को आपने लेजीनेस के साथ पहले तो एसोसिएट नहीं करना, स्टॉप लेबलिंग योर सेल्फ। अपने आप को अगर आप लेबल करते हैं तो प्लीज़ लेबल मत कीजिए, आप प्रोक्रेस्टिनेशन पे काम कर सकते हैं और निकल सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सो टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कीजिए, रियलिस्टिक गोल्स बनाइए, पॉजिटिव रिवॉर्ड अटैच कीजिए, ठीक है, और फोकस कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या आपको उसमें वाकई इंटरेस्ट है, क्या वो आप वाकई पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको असाइनमेंट्स में या डेडलाइंस को मीट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ स्ट्रेसफुल है, तो पहले अपने स्ट्रेस पे काम कीजिए और आप देखें कि कहीं आप बर्न आउट तो नहीं हो रहे। समटाइम्स हम ओवरली या एक्सेसिव वर्क की वजह से भी बर्न आउट हो जाते हैं, तो आपने बर्न आउट भी नहीं होना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट आपको साइकोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहें।